अगर ये आत्मीमांसा को आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन एवरीथिंग, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. क्वेश्चन एवरीथिंग, सबकी ऑथेंटिसिटी, सबकी बातें, क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन द एंटायर जैन दर्शन. और एक बात समझ लेना आप, वही व्यक्ति अपनी परीक्षा करने के लिए ओपनली मार्केट में आ सकता है जिसमें खोट नहीं हो. नहीं, वही आपके हर क्वेश्चन को खड़ा करने के लिए तैयार हो सकता है कि इवेल्युएट कर लो, देख लो आप. हमें कोई डर नहीं है. क्यों? क्योंकि ये खरा सोना है, उसे किससे डर लगेगा. जो बोलता है नो नो डोंट क्वेश्चन, नो नो यू कांट, आप डाउट करोगे तो आपको फायदा नहीं होएगा. अपनी हद में रहो, भक्त हो भक्त बने रहो. जो ऐसी बात करेगा तो आप ये देखिए, समंत भद्राचार्य ने बोला करूंगा तो मैं स्तुति, लेकिन ये स्तुति दिल से तब हो रही है जब दिमाग ने उसको एक्सेप्ट किया है. देखो मैं एक ना हमेशा एक बात सोचती थी कि जो ये प्यार होता है ना, मतलब एक पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, और आप शादी कर लेते हैं, आपका एक रिश्ता होता है, तो ये जो प्रेम है ये दिल से होता है कि दिमाग से होता है? एक नॉर्मल क्वेश्चन. यू फॉल इन लव, वी अंडरस्टैंड पीपल फॉल इन लव, बट व्हेन यू फॉल इन लव, वो फॉलिंग, वो लॉन्ग लास्टिंग यदि होनी है, वो साउंड यदि होनी है, आप अपने पिताजी के पास जाएंगे, पापा मुझे शादी करनी है फलां लड़का या लड़की से, तो पापा आपके डिसीजन को राइट कब मानेंगे? जो दिल से प्रेम होएगा उसको राइट मानेंगे कि जो दिमाग से होएगा उसको राइट मानेंगे? पता है मेरा आंसर क्या है? नहीं, मेरा आंसर जो दिमाग से होगा वो प्रेम हमेशा दिल और दिमाग दोनों से होता है. बताऊं क्यों? क्योंकि यदि आपको प्रेम तो हो गया और सिर्फ दिल से हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी चेक नहीं करी है. नहीं, पिताजी कैसे उस लड़के से तुम्हारी शादी कर देंगे जो कुली है, जो तांगा चलाता है? और सच बता देना कि दिल से कितना ही प्रेम हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं हो घर में, तो वो प्रेम कब तक साथ निभाएगा? बोथ द एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले दिमाग होना चाहिए, दिमाग से जब पूरे आप कन्विंस्ड हो, फिर उसके बाद में जो दिल आपका बोल रहा है ऑन द राइट थिंग्स, देन यू कैन टेक अ कॉल. क्योंकि प्योर दिल से चीजें जो होती है ना, वो तो अंधी होती हैं, वो देख नहीं पाती हैं, वो कलर्ड हैं, यू आर बायस्ड. इंटरव्यू ले हम कंपनी में किसी एम्प्लॉय को रखने के लिए, तो दिमाग पहले यूज होना चाहिए, फिर दिल होना चाहिए. आई जस्ट गॉट पॉजिटिव वाइब्स, आई थॉट इट विल वर्क, आई थॉट देयर वाज अ केमिस्ट्री. अरे भैया केमिस्ट्री बढ़िया है, केमिस्ट्री देखना मना नहीं कर रहे हैं, जरूरी होती है वो भी, लेकिन पहले दिमाग यूज करोगे ना तुम. क्योंकि बिना दिमाग के खाली केमिस्ट्री में गट फीलिंग के ऊपर जो काम होते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, चलो इसको ले लेते हैं, ऐसे काम होते हैं दुनिया में. और होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की? वहां तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया था, यहां तो हमने उस धर्म को अपना लिया बाय डिफॉल्ट, जिस खानदान में हम पैदा हो गए हैं, या जहां हम पहुंच गए हैं, या इंसिडेंटली जहां पे हम यू नो फॉर वट एवर रीजन हमको कोई एक बात अच्छी लग गई और हमने उसको मानना शुरू कर दिया. कितना शैलो है ये डिसीजन, सोचा आपने? और लॉन्ग लास्टिंग कैसे हो सकता है ये बताओ ना. बड़ी बड़ी लव मैरिजेस को अपन ने धराशाही होते देखा है,
ऐसे ऐसे स्पाउसेस को चीट करते हुए देखा है कि प्यार था ना तुम्हें तो दिल से डिसीजन लिया था ना, कि ये दिल वाले लोग होते हैं ना जो 100% दिल से काम करते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, इनका दिल कभी भी कहीं भी चला जाता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी इजीली चला जाएगा ना, जो आपके ऊपर इजीली आ गया बिना दिमाग के सिर्फ दिल से, तो दिल है, दिल तो पागल है, तो क्लियर है ना बात ही। दिल का एलिमेंट है मतलब राग का एलिमेंट है, आप एक बात समझिए, दिल मींस व्हाट, राग, और दिमाग मींस व्हाट, विवेक। जैसे हमने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा अगर तुम्हें क्रश भी हो जाता है ना, लेकिन सामने वाला यदि जैनी नहीं है, नॉन वेज खाता है, या उसकी लाइफस्टाइल हमसे मैच नहीं करती है, तो तुम्हारे दिमाग को पहले ही उस चीज को, अपने दिल को जो वो जो पागल हो रहा है ना, उसको कंट्रोल में ले आना चाहिए, नहीं लगाम लगा लेनी चाहिए इमीजिएटली, कि जो पॉसिबल नहीं है, जिस रास्ते जाना नहीं है, वहां दिमाग भी मत लगाओ। तुम जाते हो ना जब बाहर शॉपिंग करने के लिए, होंडा सिटी खरीदने जाते हो, तुम्हारा दिल तो आ जाता है मर्सिडीज के ऊपर, तो क्या करते हो, घर बेच के, मकान बेचकर, अपने आप को गिरवी रख के मर्सिडीज खरीद लेते हो? नहीं खरीदते हो ना, यू डिसाइड ना, यू यूज योर ब्रेन्स, यू हैव द ब्रेन्स देन यू यूज देम, विवेक से काम करोगे ना। आप तो टिफिनीज में चले जाओ और आपको वहां पे 20 करोड़ की ज्वेलरी पसंद आ जाए तो क्या करोगे, दिल तो पागल है, राग है, वो तो अट्रैक्टेड तो हो सकता है उस ज्वेलरी के लिए, तो अट्रैक्शन हो गया तो क्या करोगे, खरीद लोगे? हाँ? क्या करोगे, दिमाग यूज करते हो ना, करना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं होती ना दुनिया, तो ऐसे नहीं चलती है ना। तो दिल आपके राग का प्रतीक है और दिमाग आपके विवेक का प्रतीक है। यदि वो रिश्ता जिंदगी भर रहेगा और सही तरीके से टिक पाएगा, तो वो बच्चा और माँ बाप दोनों को ही ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ दिल का डिसीजन नहीं हो, दोनों की तरफ से आप ब्लाइंडेड नहीं हो रहे हो बाहर के चकाचौंध को देखकर, यू गेट अट्रैक्टेड बाय द लुक्स, बाय मे बी कि इनकी फैमिली का तो नाम बहुत है, बहुत बड़ा खानदान है, हाँ लेकिन उनका नेचर कैसा है, वो कितने डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, आपके बच्चे को पनपने देंगे कि नहीं पनपने देंगे, अपनी जीवन जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि दिल से कर लोगे सारे डिसीजन तुम सारे। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बॉलीवुड, आई फील इज लव इज ओवर रेटेड, नहीं आप देख लो, राग राग किसी भी जगह होगा, और सिर्फ अगर राग के भरोसे काम करोगे तो तुम हारोगे, मैं ये बता रही हूं, राग कितना बड़ा कल्प्रिट है, और सेंस ऑफ जजमेंट, विवेक, दिमाग, परीक्षा, ये है जो सही काम करवाती है। अदानी के स्टॉक्स, क्या दिल बोलता है आपका, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ दिल से डिसीजन लोगे, दिल से लेना चाहिए, पूछ रही हूं मैं तो आपसे। डायबिटीज है, दिल बोलता है मीठा खा ले, बोलो दिल की सुनोगे तुम, दिल की सुनोगे तो मरोगे कि जिंदा बचोगे? दिल क्या है, दिल तो कमजोर है ना, दिल तो राग है, विवेक से कार्य होते हैं, हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति में भी ये दिल और दिमाग की लड़ाई बहुत बड़ी होती है, क्योंकि दिल बोलता है अंधी श्रद्धा कर, दिल बोलता है बस भगवान है, भगवान की सब बात को मान लेना है, नो क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्वेश्चन द गॉड हिमसेल्फ, बात तो बहुत दूर की बात है। दिल क्या बोलता है सोचो आप जरा, राग, हाँ भगवान के प्रति भक्ति का भाव, ये तो राग है ना, ये भक्ति परीक्षा के बेसिस पर यदि होगी तो ये निहाल कर देगी, और बिना परीक्षा किए होगी तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जो हम डिसाइड करें अपनी लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की, उन दोनों में बहुत प्रेम हो, दिल से वो एक दूसरे को चाहें, लेकिन कब, जब दिमाग से डिसाइड कर लें हु इज द राइट पर्सन, नहीं फिर उसके साथ हम शादी कर देंगे, फिर वो चाहते हैं कि तुम खूब एक दूसरे में प्रेम रखो ना, हम तो यही चाहते हैं जिंदगी भर प्रेम से रहो, अब क्यों
क्योंकि दिमाग ने जब निर्णय कर लिया, विवेक से जब एक बार निर्णय हो गया, फिर उसके बाद में आप उसके प्रति जितने समर्पित हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको भगवान महावीर की हर बात को सही मानना है। हम मानेंगे, दिल से भी काम करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे। क्यों? क्योंकि रागी द्वेषी जीव हैं, राग कहीं तो लगेगा, तो भगवान में भी लगेगा, उनकी बात में भी लगेगा, लेकिन उसकी फाउंडेशन दिमाग से होनी चाहिए, उसकी फाउंडेशन विवेक पर होनी चाहिए, उसकी फाउंडेशन परीक्षा पर होनी चाहिए।